Hey, what is up gamers? My name is Oshan and you watching Oshan Gaming. So guys, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू यूज स्नाइपर आफ्टर अपडेट। आप लोगों को अपडेट के बाद काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होगी स्नाइपर को यूज करना। काफी सारे बंदे जो होंगे उन्होंने छोड़ दिया होगा स्नाइपर को यूज करना, लेकिन आप आज की इस वीडियो को आप एंड तक वॉच करोगे तो आप लोग फिर से स्नाइपर को यूज करने लग जाओगे और मुझे कॉमेंट में थैंक यू जरूर बोलोगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो को आप एंड तक वॉच कीजिएगा एंड चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर जरूर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे हर एक वीडियो के अंदर रिडीम कोड होता है। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर भी रिडीम कोड होने वाला है। सो एक छोटे से इंटर के बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई नो गाइज, आप लोगों को गरीना को गाली देने का मन करता होगा क्योंकि उन्होंने इतना गंदा सीन कर दिया AWM या फिर किसी भी स्नाइपर के साथ कि आपका चलाने का बिल्कुल भी मन ही नहीं करता है Kar98Z को छोड़ के। क्योंकि उसके अंदर क्या होता है ना यार, आपका जो एम है वो ऑटोमेटिकली जाता है लोगों के ऊपर, तो लोग क्या करते हैं सिंगल सिंगल उसको यूज करते हैं आज भी। तो लेकिन यार Kar98 के बारे में मैं ये वीडियो नहीं बताने वाला हूँ। अगर आप लोग ट्रिक यूज करना चाहते हो वाली, तो देखो सबसे पहले तो आपको ना Kar98 को भूलना पड़ेगा। ओके, आप AWM प्लेयर थे, अभी भी AWM प्लेयर ही बनो गाइज। AWM इज बेस्ट, हमारी सबसे पहली जो है स्नाइपर है फ्री फायर के अंदर। तो आप AWM आज भी यूज करोगे, इतनी तगड़ी चलती है वो। आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको AWM यूज करनी है, ठीक है। M2B भी मत यूज करना है स्ट्रिक को अप्लाई करने के लिए, आपको AWM यूज करनी है। ओके, और आप लोगों को एक बात और ध्यान में रखनी है, आप लोग क्या करते हो ना यार, आपको पता है कि उसको जब यूज करते हैं हम लोग तो हमारी स्विच खोने में काफी ज्यादा देर लगाती है, ठीक है। आप देख सकते हो बैकग्राउंड के अंदर, देख सकते हो कितना मिली सेकंड का, ठीक है। मिली सेकंड मतलब 0.5 सेकंड का ये टाइम लगाती है स्विच करने में, ठीक है। लेकिन इतने टाइम के अंदर आपका बंदा जा सकता है। अगर आप माइक्रो प्लेयर हो, अगर आप PC या फोन के अंदर माइक्रो लगा के खेलते हो तो आप लोगों को काफी प्रॉब्लम आ रही होगी, लेकिन यार माइक्रो तो यूज करना ही मत पहली बात तो, और विदाउट माइक्रो के खेलते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और देखो क्या होता है ना यार, अब काफी बंदे होते हैं जो AWM न्यू यूजर हैं, अब उनको तो और ही प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। लेकिन करना क्या है आपको, देखो सबसे पहले तो आपको लेफ्ट फायर बटन जो होता है ना आपका, उसको हमेशा ऑन रखना है। अब उसको करना क्या है, उसको आपको लेफ्ट फायर बटन को ऑलवेज कर देना है, ठीक है, ऑलवेज। और उसको जो कस्टम एचयूडी में जाके अपना लेफ्ट में कर देना है, ठीक है, लेफ्ट में, राइट मतलब लेफ्ट के ऊपर में टॉप में कर देना है। उसको करने से होगा क्या गाइस, आपका जो है ना मतलब, अब आप लोग AWM यूज करते हुए क्या करते हो ना, नॉर्मल फायर बटन है जो हमारे जिसे हम ड्रैग करते हैं उसको यूज करते हो। लेकिन अब इसके एडवांटेजेस मैं आपको बता देता हूँ ये लेफ्ट फायर बटन के। लेफ्ट फायर बटन का यूज करते हुए आप विदाउट स्कोप खोल के भी, जैसे ये पीछे बैकग्राउंड में आप बंदे का गेम प्ले देख सकते हो XFF का, ऐसे गाइस आप लोगों का जो है विदाउट रीलोड आए हुए आपका ऐसे ही गन यूज होगी, ठीक है। अब आपका उसके अंदर भी टाइम तो लगेगा ही स्विच होने में, है ना। लेकिन अब आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, अगर आप स्कोप खोल के इस लेफ्ट फायर बटन का यूज करोगे तो जो आपका मिली सेकंड है ना वो 0.2 का हो जाएगा, 0.5 का भी नहीं होगा वो गाइस, 0.2 का हो जाएगा अगर आप लोग लेफ्ट फायर बटन और स्विच बटन का यूज करोगे। आप देखो स्विच बटन भी ना भी यूज करोगे तब भी चलेगा, लेकिन आप लेफ्ट फायर बटन को यूज करके एक बार ही ट्राई जरूर करो। मैं गारंटी देता हूं गाइस आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छा लगेगा इसको यूज करते हुए एंड आपको काफी ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब देखो गाइस, मैं बैकग्राउंड में गेम प्ले चला देता हूं जहां पे आप लोग देख सकते हो यहां पे जोन चल रहा है एंड मैं बंदो जो है टपाटप मारे जा रहा हूं गाइस, ठीक है, लिटरली मैं मारे जा रहा हूं इनको। एंड गाइस ये एंडेड वाला सीन है, गेम जब खत्म होने वाला था आप लोग यहां पे भी देख सकते हो, जब बुया करने वाला था मैं यहां पे, मैंने लिटरली पहले बंदे को गाइस हेडशॉट दिया। हेडशॉट देने के बाद गाइस क्या किया मैंने, नेड करने की ट्राई की, लेकिन नेड जो नहीं हो पाया उस वहां से बंदा जो है डाउन में गिर गया था। एंड गाइस यहां पे आप लोग देख सकते हो पहला बंदा डाउन कर दिया मैंने AWM से, एंड यहां पे सेकंड बंदा मैंने डाउन कर दिया, और अब यहां पे देख सकते हो गाइस लास्ट बंदा है जो कि लेफ्ट में एक हमारा बंदा डैमेज दे रहा है, उसको मैंने 160 का डैमेज दिया। एंड गाइस यहां पे हमारा बुया हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हो गाइस कितने ही जहर खेला था मैं इस वाले गेम के अंदर। तो आप लोग लगा सकते हो, आप भी AWM को खेल सकते हो ऐसे तरीके से अगर आप मेरी इस ट्रिक को अप्लाई करोगे, क्योंकि गाइस मैं खुद भी ये ट्रिक अप्लाई करता हूं पर्सनली बताऊं तो, ठीक है। तो मैं इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए शेयर करी है। और गाइस जो आप लोगों के अंदर से जो होप थी ना AWM आपसे कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी, वो आपके होप जो है आई होप सो अच्छी हो गई होगी। तो आपको अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और आप लोगों की कोई भी डिमांड होगी ना गाइस, मतलब वीडियो रिलेटेड आपको ये वीडियो चाहिए वो वीडियो चाहिए, तुमको कॉमेंट में बता देना, मैं आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली जो आप डिमांड करोगे उस पर वीडियो बना दूंगा। सो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक लिटिल देन टेक केयर, बाय बाय।